जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और आज कुछ बड़ी रोजाना ही कोई ना कोई ऐसी चीज आती रहती है दैट गिव्स अस मोटिवेशन के हमें अपने मुआशरे से, अपने लोगों से बात करनी चाहिए और वट एवर लिटल सेंस वी हैव हमें वो लोगों को बताना चाहिए कि भाई किधर क्या चीजें हो रही हैं। मैं एक रिलीजियस क्लैरिक हैं, मौलवी साहब हैं, उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं। उसके कुछ हिस्सों में उन्होंने थोड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, माजरा चाहता हूँ। आखिर में उन्होंने बहुत अब्यूसिव किए, मैं उसको बिल्कुल वहां पे काट दूंगा, बंद कर दूंगा। लेकिन आप सुने कि इसे हम कहते हैं ना कि इग्नोरेंस, जहालत कैसे मैन्युफैक्चर कैसे होती है, और ये मजहबी क्लास जहालत को मैन्युफैक्चर करती है। और आप जितने ज्यादा इग्नोरेंट हैं, आपने जितने ज्यादा अपने इर्द गिर्द एक इग्नोरेंट क्लास जनरेट करके रखी है, वो आपकी मार्केट है। आप उसको अपना नजरिया बेच रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं और इग्नोरेंस की वजह से आपका दिहाड़ी चल रही है। मैं वो उनकी वीडियो चलाता हूँ और आखिर में मैं बंद कर दूंगा क्योंकि वो ज्यादा अब्यूसिव हो गया, लेकिन बीच में उन्होंने कुछ गालियां दी हैं, जस्ट बेयर विद मी प्लीज। यहूदियां दे मगर लग के खुदा दा घर बंद हो गया। दूजा साल है, हज बंद, उमरा बंद है, और ऐद की फिर वो जिहड़ा मुसलमाना दी रमजान दी चार इबादतां कट्ठियां हो जांदियां, उहदे वास्ते मोड़ करूना। ये सारा असल एक मिली भगत है। तुसा असा समझने करूना करूना भैन चो कोई शह नहीं, ये सिर्फ भैन यकी सारी चलती पई है। खुदा दा दीन किसे ना किसे तरीके ये तो जाग इंज मुतनफर का और की दीचो तरीका की अख्तियार कर देने सैसी उन्होंने पता है अगर असा इन्हों दीन दे खिलाफ दलील देिए ना कोई नहीं सुननी। अगर किसी होर मजहब की गल करिए ना कोई नहीं सुननी, इन्हों दे दीन नाल दा सच्चा दीन होवे तो सुनन। लेकिन वो बहन चो पछाण गए बई साइंसी जेहन इन्हों दे साइंस नाल इतकाद इन्हों दा असा पूरा बना लिया है। हुण जिहड़ी भी सट मारो साइंस दे हवाले नाल मारो, इन्हां नूं आखो साइंस ए कहिंदी है तुसीं मर जाणा, साइंस ये कहती है कुरान नु हाथ लाया मर जाना, साइंस ये कहती है मसीते गया तू मर जाना, साइंस ये कहती है काबे नाल लगा तू मर जाना। इन आखना बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई दलील है लानती ना। जी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं जिसको शुरुआत की जानी चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये ज्यूज की साजिश है। ये इन साहब का कोई कसूर नहीं है, मैं इनको जानता नहीं है कौन है, लेकिन जाहिर बात है ये किसी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में पना पड़े हैं। इनके इर्द गिर्द एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको ये साथ लेके चल रहे हैं, इनके लोग हैं जिनको ये अपने, आप देखें ये किस तरह उनको प्रेज कर रहे हैं। और अगर मैं इसको सारी चलाता तो बाद में फिर वो जो इनकी तारीफें कर रहे थे और वाह वाह कर रहे थे वो दैट वॉज समथिंग विच शुड बी शोन, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि जो कोरोना है ये ज्यूइश लॉबी ने लेके आया है, ठीक है। पाकिस्तान में एक हम इसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेटोरियल माइंडसेट, हमने इतना ज्यादा कॉन्स्पिरेटोरियल माइंडसेट क्रिएट किया पिछले 30-40 साल कि वो लोग जा ही नहीं रहे। वो अभी जिन लोगों को हमने कॉन्स्पिरेटोरियल बनाया और कहा कि बाहर से खतरा है, इस्लाम को यहूदियों से खतरा है, इस्लाम को ईसाइयों से खतरा है, इस्लाम को हिंदुओं से खतरा है, भाई इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी खुदा उसके रसूल ने गारंटी ली हुई है, कुरान आज तक कोई एक हर्फ नहीं बदल सका उसका, और आप कह रहे हैं कि जी ज्यूइश की साजिश है। मतलब आप साइंस को मानते ही नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को इर्द गिर्द इस तरह जहालत को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नॉम चॉम्स्की एक बड़े जबरदस्त अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने बुक लिखी थी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के नाम से, कि कंसेंट कैसे डेवलप होती है, और ये मीडिया के हवाले से बेसिकली बुक थी, बड़ी अच्छी, एक और उनके साथ ऑथर थे जिन्होंने बुक लिखी थी। उसका मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि मीडिया जो है वो किस तरह लोगों की कंसेंट मर्जियां डेवलप करता है, लेकिन हमारे जो मौलवी हैं वो इग्नोरेंस किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं ये बताते हैं सबसे पहले। फिर उन्होंने कहा जी कि साइंसी तरीके निकाल लिए इन्होंने, और साइंसी तरीका क्या है जनाब, के ये रमजान जो है ये
जो अबादात होती थी वो अब अबादात रमजान में नहीं हो सकेंगी, क्योंकि जो वो मसला है लोगों को इकट्ठा नहीं होना। भाई आपने इबादत करनी है, आपके घर में जगह मौजूद है, आप वहां इबादत करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर घर में इबादत करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोग मस्जिद में आएंगे, वहां पे पढ़ेंगे, मौलवी साहब वहां पे अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जो वहां पे वो उन्होंने अपनी मजहबी लोगों को इंगेज करना है वो करेंगे, तो एट दी एंड ऑफ द मंथ वो लोगों से पैसे लेंगे ना और कहेंगे कि मेरी खिदमत करें। तो जब मस्जिद में लोग नहीं आएंगे तो वो खिदमत कहाँ से करेंगे? सो बेसिकली तो ये दुकानदारी का सारा मसला है, दिस इज ऑल अबाउट मनी। ये तो उन्होंने अपनी दुकान चलाई हुई है, उस दुकान में वो उन्होंने इर्द गिर्द लोग बिठाए हुए हैं। अच्छा, आप हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, हर चीज बंद है, यानी कि पूरी दुनिया में वो ये समझते हैं कि यहूदियों ने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया हुआ है। हज और उमरा बंद है। भाई हज और उमरा क्या किसी ने बंदे ने बंद किया है? बीमारियां आती हैं, और ये बीमार क्या इंसान बीमार नहीं होते क्या? अलामा साहब, मौलवी साहब बीमार नहीं होते क्या? बाकी लोग जो इर्द गिर्द के वो बीमार नहीं होते, उनको बीमारी नहीं लगती, और वो डॉक्टर ये कहता नहीं है कि दिस इज ऑल साइंटिफिक रीजन है। अगर आपका पेट खराब हो गया, आपके दिल का मसला है, आपके जिगर का मसला है, तो दैट इज ऑल साइंटिफिक ना। कोई आपने कुछ इस तरह का काम खाया किया, खाना खाया, आपकी रूटीन जिंदगी की इस तरह है कि आप लोग जो है वो आपने ये किया, वो कहते हैं ये मिली भगत है। ये बेसिकली ये सारे यहूदियों की, ईसाइयों की, ये सारे मगरब वालों की मिली भगत है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये कोरोना आया। अब अबव ऑल आप देखें, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपना दीन नहीं बदल सकते, क्योंकि जी दीन सबसे अच्छा है। ऑब्वियसली हमारा ये मानना है कि हमारा दीन सबसे अच्छा है, इस तरह बाकी लोग भी मानते हैं कि उनका दीन सबसे अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा दीन तो सबसे अच्छा है लेकिन मुसलमान मानेगा नहीं, लिहाजा इस तरह करो कि मुसलमान को कहो कि अगर तुमने कुरान को हाथ लगाया तो तुम जो है मर जाओगे। भाई कौन की, किसने कहा है आपको कुरान को हाथ लगाना है? आजकल तो बुक्स आपके घर घर में, मुसलमान हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद है, और हर अगर कोई ईसाई है तो उसके घर में बाइबल होगी, और अभी तो मोबाइल में आ गए हैं कुरान। भाई अब कौन सी बात है, अब आप मोबाइल से सुने, कान पे से जो है वो ऑडियो सुने, आप अपने टीवी पे लगा लें, 24 घंटे तलावत हो रही है, चैनल्स आ गए हैं। मतलब किसने कहा है आपको कि कुरान जो है वो आपको मौत देगा? फिर आप मस्जिद जाएंगे, आप खाना काबा जाएंगे, हाथ लगाएंगे तो आप मर जाएंगे, ये किसने कहा है? ये किसी ने भी नहीं कहा। ये है मैन्युफैक्चरिंग इग्नोरेंस, ये है जहालत को मैन्युफैक्चर करना, ये एक प्रॉपर साइंस है, और ये साइंस पे इनका अबूर हासिल है। और देखें पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका जैसा मुल्क था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब मानते ही नहीं थे कि ये कोरोना भी कुछ चीज है, लेकिन वो एक और शक्ल थी। उलमा जो हैं ये मानते हैं, ये मानते नहीं है ये कोरोना भी कुछ चीज है। और इस तरह के जो ऐसे उलमा जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, इन्होंने इतनी ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं की, ये यूनिवर्सिटी में नहीं गए, इन्होंने अपना पढ़ाई नहीं की हुई, ये इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। हमें इस चीज़ का पता है कि अगर जो है वो जो ऐसे दिन होते हैं, जो दीनी दिन होते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का दिन होता है, तो मौलवी साहब को होता है कि हमारी जो जो डेवलपमेंट हो रही है मसाजिद में, हम वो शेयर करें, लोगों को पता चले, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग सारे के सारे आए और हमें पैसे दें। अब पैसे के लिए आप लोगों की जान, माल, इज्जत जो है उसको दांव पे लगा दें। अभी हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरह टेक्निकली चाहिए मसाजिद को बंद करवाना, नहीं करवाती, क्यों? डरते हैं सारे, अगर मसाजिद बंद करवा दी तो वो कहेंगे भाई आपने मस्जिद बंद करवा दी है, आप तो हैं ही काफिर, और आपके खिलाफ इस तरह का माहौल बनेगा, इस तरह का माहौल बनेगा कि हुकूमतें और जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन हार जाएंगी कि इन्होंने मस्जिदें बंद की। हमें पाकिस्तान में, कराची में जो फर्स्ट वेव आई हुई, तो हमें देखा कि किस तरह करके मस्जिदों के आगे लोग आ गए जुम्मा पढ़ने, जबरदस्ती उन्होंने कहा नहीं हमने जुम्मा पढ़ना है। और ये जहालत जो है ये बहुत ज्यादा है, हमें एज ए मुआशरे में हमें ये चीजें को, इनको छांटी करना है। और क्या हमारी जो मुआशरे की तरबियत इन लोगों ने करनी है? क्या क्या ये लोग हमारी तरबियत करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों की ये तरबियत करेंगे? अगर हमने अपने लोगों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना भेजा, हमने अपना करिकुलम और टेक्स्ट बुक को नॉर्मल ना किया, तो हम एक नॉर्मल स्टेट नहीं बन सकेंगे। आधी रियासत के जो लोग हैं, आधे मुल्क के लोग तो जो है इस तरह के उलमा के पीछे लगे हुए हैं जो जिनके नज़दीक लॉजिक, साइंस, मंतक की कोई वैल्यू नहीं है।
और वो समझते हैं कि ये सारे का सारा फ्रॉड हो रहा है जो हो रहा है इस वक्त दुनिया में हो रहा है। और आधे जो लोग हैं, जो आधे या 40% को 50%, आई डोंट हैव नंबर्स बट जस्ट आई एम सेइंग दिस, तो वो जो है वो कहेंगे भाई हाँ हमें मुल्क को इस तरह लेके चलना है, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। और पॉलिटिशियन इतना डरपोक आदमी होता है, उसको पॉलिटिशियन से ज्यादा कंप्रोमाइजिंग और उनसे तो है ही कोई नहीं। वो तो चाहेंगे कि जो है लोगों को इस तरह की काम ना करें, वो तो मजे का सहारा लेते हैं वोट लेने के लिए। शायद इसीलिए कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें आप मजहब का इस्तेमाल ना कर सकें। शायद हम लिबरल जो है वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हमें चाहिए, हमें बिल्कुल वो डेमोक्रेसी चाहिए अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया का मुकाबला करना है, और हमें ऐसे लोगों को का सदेबाप करना है और उनका घेराव करना है और उनको ऐसे फोरम से पीछे करना है ताकि वो हमारे अवाम को, लोगों को जो है वो जहालत की तरफ ना लेके जाएं। अब ये जो साहब हैं, इनकी बहुत सारे लोग जो है इनके वीडियो शेयर कर रहे थे, मेरे पास भी वीडियो आई। अमूमन मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी अपनी जो पीएचडी की रिसर्च है वो भी पॉलिटिकल इस्लाम पे है, बट आई डोंट लुक एट ऑल दीज थिंग्स, ये मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं जो इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट हैं, जो कि दोज हू बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड दे बिलीव इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द सिस्टम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, में उनको स्टडी किया हुआ है। ये जो लोग हैं ये दे आर डिफरेंट ब्रीड, ये ब्रीड ही लैद है, इनका दिमाग और इनकी सोच और ये वो है ही नहीं है। ये तो अपने किसी गांव, स्कूल, जगह में, टाउन में होंगे, जहाँ पे इन्होंने एक मदरसे में लोग होंगे जो इनको फॉलो कर रहे होंगे। जैसे ये जो इर्द गिर्द बच्चे हैं, ये बड़े शहरों में जाएंगे, अर्बन सेंटर्स में जाएंगे और वहाँ जाके ये काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हमारे लामा साहब थे, इन्होंने जो हमें बातें की थी वो तो गलत हैं। अब इन्होंने ज़्यादातर पंजाबी में बातें की हैं, मे बी शायद किसी को समझ ना आई हो, लेकिन मैंने बता दिया कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी ये जो कोरोना है ये मगरब की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, कुरान को हाथ लगाओगे तो मर जाओगे, तो मुसलमानों को डरा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों को कर्टेल करने का, काउंटर करने का हमारे पास ना तो कोई फार्मूला है ना कोई तरीका है, लेकिन इस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशली मुआशरे में अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं इनको इनको रिजेक्ट किया जा सके। एंड अबव ऑल देखें, एक तरफ वो पाक चीज़ों का, पाक किताबों का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, और साथ ही वो गालियां दे रहे हैं, और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इससे आगे जो गालियां थी तो वो मैं दिखा भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने, अनफॉर्चुनेट, मैं माजरा चाहता हूँ कि मैंने ये दिखानी पड़ी, क्योंकि दिस वॉज व्हाट इज सेइंग। सो पॉइंट ये है कि ये अगर मुआशरे में इस तरह के लोग हैं तो आप देख लें कि हमारे माशरे का क्या हाल होगा, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, और क्या इसी तरह ही हम, हमारी आदि कौम जो है वो इन्हीं के हाथों, इन मौलवियों के हाथों में रहेगी? क्या कोई पढ़े लिखे लोग जो साइंस को समझते हों, क्या आप उनकी बात नहीं सुनेंगे? क्या हम लोगों को नहीं बताएंगे कि साइंस जो है वो वाकई एक इल्म है, और दुनिया में हर काम जो करते हैं उसके पीछे साइंस है? ये जो मौलवी साहब बोल रहे हैं ये भी एक साइंस है, ये कौन सी साइंस है ये फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी तो एक साइंस है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल नीड एंड ग्रीड के लिए लोगों को बेवकूफ बनाएं, तो ये भी तो किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तहत ये बंदा बात कर रहा है। सो आई विश के लोगों को ये चीज़ें समझ आएं, और हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो इग्नोरेंस मैनुफैक्चर की जाती है इसको बंद होना चाहिए, अदरवाइज सब मुआशरे में तकसीम पैदा होगी, तकसीम होगी, अदम इस्तेहकाम होगा, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होंगी, रियासत की अपनी अवाम के ऊपर एक रिट नहीं रह सकेगी, और मुआशरा तकसीम दर तकसीम होगा, और जो आने वाली तहकीक है, जो आने वाली रिसर्च है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, जो कि हमारी कौम और मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है। थैंक यू।